अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सर मैजिक चालकों पर कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ कार्रवाई है? आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज हमने करीब 35 ऐसे मैजिक जब्त किए हैं जो कागजात के अभाव में उनके कागजात पूर्ण नहीं थे। उनकी विरुद्ध कार्रवाई करके उनके पुलिस लाइन और अन्य ट्रैफिक थाना वाला खड़ी की गई। अब शाम के टाइम उनके सब कागजात चेक करेंगे, चेक करने के उपरांत फिर उनका निराकरण करेंगे। यदि बिना परमिट वगैरह गाड़ी है तो RTO भेजी जाएंगी और कुछ मेजर फॉल्ट होगा तो कोर्ट, और नहीं तो फिर हम अपने यहाँ से समझौता शुल्क काट के उसका निराकरण किया जाएगा। सर आए दिन मैजिक चालक और ई रिक्शा चालक के बीच में झगड़े की भी बात आती है सवारी को बिठाने को लेकर के, तो सर इस विषय पर क्या करेंगे? अभी 10-15 दिन पहले हमारी मैजिक वालों के साथ में मीटिंग हुई थी और हमने उनमें सुधार लाने के लिए बताया था कि एक तो ये अपनी मर्जी से कहीं भी खड़ी कर देते हैं जिससे कि जगह जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, कहीं भी सवारी उतार लेते हैं, बीच रोड पे खड़े रहते हैं, अप्रोचिंग रोड है जहाँ पे क्रॉस या टी बनती है, चौराहा बनता है, वहाँ अधिकांश इनकी संख्या अधिक देखी जा सकती है। और ना ही ये किसी प्रकार की वर्दी धारण करते हैं, नाम पट्टी का भी नहीं लगाते हैं। इन सभी चीज़ों पे हमारी चर्चा हुई और चर्चा के बाद हमने इनको निर्देश जारी की कि ये सब चीज़ें हमको चाहिए, ये सब चीज़ें आप धारण करके और गाड़ी की स्थिति भी सुधार करेंगे, टूटी फूटी गाड़ियाँ तो उनमें जिससे कि फिटनेस वगैरह करा के, तो इस पर एग्री हुए थे ये लोग और उन्होंने बताया था, इनको समय दिया था 10 दिन का, पर कार्रवाई नहीं की। अभी इन्होंने इस तरीके का कुछ सुधार आए नहीं है तो आज हमने कार्रवाई की। मैजिक के अलावा और भी कुछ वाहन वगैरह जो हैं वो उस पर चर्चा चल रही है कि मैजिक के अलावा हम दो तीन दिन बाद अभी बसेस की मीटिंग रखी है हमने और साथ में उसके ई रिक्शा की मीटिंग भी रखी है। ई रिक्शा के लिए जो जो कागजात वगैरह ज़रूरी होते हैं और जिस तरीके से उनकी सीटिंग कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी 4-5 की और 8-8, 10-10 बैठाते हैं इस तरीके, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे, उनकी मीटिंग लेके। साथ ही स्कूल जो कि अभी स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन है और पूरे स्कूल के प्राचार्यों के और प्रिंसिपल्स को बुला के स्कूल संचालकों की मीटिंग कंट्रोल रूम में लेंगे और जो बिंदु हैं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उनके पालन कराने के लिए उनको अवगत कराएंगे।